विचार करते हैं
लेकिन वो बड़े भाग्यशाली हैं जो मानव जीवन पात्र की सत्संग करते हैं, वो जीवन का सदुपयोग करते हैं। लेकिन मानव का जीवन मिला है ना, मानव का जीवन अनमोल है और अनमोल जीवन से अनमोल कार्य करना चाहिए। अगर मानव जीवन पात्र के अनमोल कार्य नहीं किए, उस परमात्मा को नहीं जाने, उस ईश्वर को नहीं जाने, तो समझिए ये मानव जीवन रूपी हीरा को पाखाना में फेंक दिया, विश्राम में फेंक दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग पाई है सत संगा। देवर्षि नारद और भगवान विष्णु जा रहे थे, तो देवर्षि नारद ने पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु आप जीव पर पहली बार कृपा करते हो तो क्या लेते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब मैं अपने भक्त से पहली बार प्रसन्न होता हूं तो उसको मनुष्य का शरीर देता हूं। कहा प्रभु दूसरी बार प्रसन्न होते हो तो क्या देते हो? कहा दूसरी बार भी जब प्रसन्न हो जाता हो ना नारद, तब उसको सत्संग दे देता हूं। तो नारद बाबा फिर तीसरी बार पूछते हैं कि प्रभु तीसरी बार प्रसन्न होते हो तो क्या देते? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब अपने भक्त से तीसरी बार भी प्रसन्न होता हूं तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हूं और संत सदगुरु के हाथ में डाल देता हूं। मैं तो ठीक है कि जब तीसरी बार प्रसन्न होता हूं तो क्या करता हूं? भक्त का हाथ पकड़ लेता हूं और संत सदगुरु के हाथ में डाल देता हूं। अभी सुन रहे थे ग्रंथ पाठ में, दुर्लभ विषय त्यागो, दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभ सहज अवस्था और सदगुरु करुणा बिना। विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है और तत्व दर्शन हो जाए, परमात्म दर्शन हो जाए, ये भी दुर्लभ है, कठिन है। और हमारी दुर्लभ सहजावस्था, सहज समाधि लग जाए, ये भी कठिन है। लेकिन यदि सदगुरु की कृपा हो जाए तो कठिन बात भी आसान हो जाती है, सब कुछ सरल हो जाता है। भुक करोति वाचालम् अंगुम गंधति गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद महा। उसी कृपा हो जाए, उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो कुछ भी संसार में संभव नहीं करता। देखिए सत्संग का जो आयोजन है ना, एक कितना नंबर का आयोजन है, 41वां है आयोजन, जिला अधिवेशन का 41वां वार्षिक आयोजन जिला अधिवेशन है। 41 कैसे लिखते हैं? पहले चार लिखते हैं फिर एक लिखते हैं। ये चार क्यों बताता है? हमारे गुरु महाराज संत मत की क्रीम को निकाल रहे हैं और उन्होंने कहा मानस जप करो। अभी बुद्धि योग की बात सुन रहे थे, वेद भगवान ने भी कहा कि बुद्धि योग करो यानी सत्संग करो और मानस योग करो यानी मानस जप करो और मानस ध्यान करो, ज्योति योग करो, दृष्टि योग करो और फिर कहा नादानुसंधान की क्रिया करो, यानी मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, ये अगर चार क्रिया कर लोगे तो एक परमात्मा को तुम जान लोगे, एक परमात्मा को तुम जान लो। चार एक यही बताता है और आप छीटाबाड़ी में पहुंच जाइएगा। कहां पहुंचेगा? छीटाबाड़ी में पहुंच जाइएगा। छीटाबाड़ी का रास्ता बड़ा अटपटी है, मैं भी भटक गया था रास्ते में, कोई कहीं इधर चले जाओ, कोई कोई इधर चले जाओ, लेकिन एक आदमी ने सही बताया वो छीटाबाड़ी का रास्ता, वो सदगुरु सही बता देंगे, वो छीटाबाड़ी का रास्ता वो सदगुरु बता देंगे और आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो बुद्धि योग करें यानी सत्संग करें, बिन सत्संग विवेक न होई और राम के पाद में सुलभ न। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी नहीं मिलता है। रावण तो बहुत तप किया था,
कुंभकर्ण बाणासुर कंस हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या किया था, तप बहुत किया लेकिन सत्संग किया नहीं किया। तप भी कैसा तप करना चाहिए, तप भी तीन प्रकार के होते हैं। ऐसा तप सतुगुणी तप, पैसा खाना, दारू पीना, तप करना, ये तामसिक तप का नाम है। ऐसा तप करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। संत जैसे बताते हैं तो लोगों ने भी बहुत तप किया लेकिन ईश्वर से दूर रहा, सत्संग नहीं किया और उसको विवेक नहीं हुआ, उसको ज्ञान की आंख खुली नहीं। स्वामी जी कहते हैं उग्र है विमल विलोचन ही के, और मिटे हैं दोष दुख भवरंजन ही के, और सूचत रामचरित मणिमानिक, और गुपुत प्रगट जब देते ही खाली, यथा सुवंदन आज दिग साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देख रहे शैलवन उतर भूल। हम भी अपने जीवन में सत्संग को पकड़े हैं। हम लोग दीक्षा लेते हैं सदगुरु से तो हमको बतलाते हैं मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए बताते हैं। जैसे जैसे मानस जप करते हैं मानस जप से बड़ा लाभ होता है। ये सत्संग से बड़ा लाभ होता है। ये सत्संग से क्या लाभ होता है, जैसे व्याकरण पढ़ने से भाषा की शुद्धि होती है ठीक उसी प्रकार से सत्संग करने से जीवन की शुद्धि हो जाती है, हमारा जीवन शुद्ध। जो कोई जाय मिले उनसे न हो तो पवित्र लगे हरिरंगा, और दोष कलंक समय मिट जाए सुनीच हो जाए सो हो तो तंगा। जो कोई नीर मलिर महावती गंग मिली हुई जाते गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जब पानी पड़ो सत्य नदी समुद्र से मिल जाती है तो समुद्र भक्त हो जाता है। हम भी सत्संग का सहारा ले, धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान भंगा। हम लोग अभी बाहरी सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनी समझे हैं जन बोली तुम अमन जय अति अनुराग तो लार फल अचित तनु साधु समाज सत्संग कर रहे हैं। बाहरी सत्संग है, अंदर का सत्संग कब होगा जब हम ध्यान करेंगे। एक शिष्य गुरु से दीक्षा ले लिया, गुरु से बहुत प्रार्थना किया कि गुरुदेव हमको भी दीक्षा दे दीजिए। तो सदगुरु तो सब जानते घट की जाने सदगुरु कहां छिपावे अंध, गुरु को मानुष जानता तो कहीं अंध अमहा दुखी संसार में आगे जम के पर। तो सदगुरु ने सोचा कि भाई दीक्षा की बात तो करता है लेकिन बड़ा लोभी आदमी है, बड़ा लालची आदमी है, दिन रात निन्यानवे के चक्कर में रहता है, भजन तो करेगा नहीं क्योंकि गुरु में विश्वास नहीं है, धर्म में विश्वास नहीं, संसारी आदमी है, भोगी आदमी है। लेकिन सदगुरु के पास तो युक्ति होती है ना, सदगुरु के पास युक्ति होती है तो सदगुरु ने उसको बता दिया युक्ति। बोला गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए, बोला नदी में स्नान कर लो। नदी में स्नान करवाया, वहां पर एक चट्टान पड़ा हुआ था, बोले चट्टान के नीचे तुम आसे लगा के बैठ जाना और मंत्र का जप करना। क्या जप करना है गुरु क्या बताया, तो गुरु ने बताया कि देखो यही मंत्र जपना, हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा, इसी मंत्र का जाप करना है। अब वो सदगुरु के अनुसार
अर्धदिन उसी प्रकार से मंत्र का जप करने लगा। जप करते करते 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष बीत गए, लेकिन उसको कुछ लाभ हुआ नहीं। तो बड़ा गुस्सा आया उसे, हमारा गुरु कैसा है, देखो क्या मंत्र बताया है, पत्थर तो सोना बन जा, है पत्थर तो सोना बन जा, हमारा गुरु कैसा मंत्र दिया है, बड़ा मूर्ख है गुरु हमारा, कैसा गुरु कर लिया, मूर्ख गुरु कर लिया। जब बहुत गुस्सा उसको एक दिन आ गया तो क्या करता है, ये पत्थर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा ही बन जा। गुस्सा में जब इतना कर दिया ना तो पत्थर लोहा बन गया। जब लोहा बन गया तो उसको बड़ा सच बोला, दे ये पत्थर सही में लोहा बन गया। घबरा गया, चला गया अपने गुरु महाराज के पास। गुरुदेव गुरुदेव एक बात बताओ, बोला हाँ बताओ, बोला आपने जो मंत्र हमें दिया था, ये पत्थर तो सोना बन जा, ये पत्थर तो सोना बन जा, मुझे क्या बताऊं, 5 वर्षों तक कंटिन्यू उस मंत्र को जपा, लगातार जपा, लेकिन जपने से कोई लाभ नहीं मिला। गुरुदेव आज आपके ऊपर मुझे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और गुस्से में मैंने कह दिया कि हे पत्थर तू सोना नहीं बनता है, लोहा बन जा। गुरुदेव क्या बताऊं, इतना कहना था कि वो पत्थर लोहा बन गया। गुरुदेव रोने लगे, बोला अफसोस अफसोस बेटा, तूने सहनशीलता को खो दिया, तूने धैर्य को खो दिया। अरे यही वो समय था, यही वो समय था कि पत्थर सोना बन जाता, लेकिन सोना तो नहीं बन पाया, तूने उसे पुरखता से लोहा बना दिया। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान, सदगुरु का जो रूप है ना बड़ा उपकारी। तो पहले मानस जाप करना चाहिए, जप में धैर्य रखना चाहिए, सदगुरु में विश्वास रखना चाहिए, फिर मानस ध्यान भी करना चाहिए। देखिए जिसमें जप और ध्यान करने की आदत बन जाती है, हर आदमी को हर तरह की बीमारी पकड़ लेती है। किसी आदमी को दारू पीने की आदत बन जाती है, किसी को गुटखा खाने की आदत बन जाती है, किसी को मांस मछली खाने की आदत हो जाती है, और किसी को वजन करने की बीमारी पकड़ लेती है। जिसको जैसा गुरु मिला उसको ऐसा शुद्धि मिलती है। ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ है, और इसमें मानस ध्यान जो सही में मानस जब मानस ध्यान जिस चीजों की क्रिया करता है उसमें बहुत शक्ति आती है। एक सोहन दास था, वो सदगुरु से दीक्षा लेकर के नियमित रूप से मानस जब मानस ध्यान करता था, और बड़ा सदाचारी था, शिष्टाचारी था, नियमित रूप से 3 बार ध्यान करता था, प्रेकार संध्या करता था, और चलते फिरते उठते बैठते मानस जप करते रहता था। उठत बैठत सोबत नाम, हर नानक सब जित के काम, घटघट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घटघट ज्योति समाई, बचत कपाट उठते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। बाबा गुरुदेव जी महाराज कहते 600 सहस्र की सु जाप अनंत उपजे आप, या अगर 21,600 मंत्र का जाप करेंगे तो अनंत नाग प्रकट हो जाता है। अनंत नाग सुख प्रकट हो जाता है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज को भी काल ले जाने लगा, बहुत जप और ध्यान करते थे, लेने के लिए आया, बुलाए गोरख, भाई तुमको लेने आया हूं, आप गोरख काल संपाद पढ़िए। गोरखनाथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बोला तुम अपने को योगी समझते हो, तुमको जाना पड़ेगा, बोला मैं नहीं जाऊंगा। योगी और काल में टक्कर हो गया,
करके बोलता है, आसन बांधो, बासन बांधो, तेरे बांधो, तेरे गुरु को बांधो, भिक्षु के द्वारा। तुम अपने को योगी समझता है, तुम्हारे आसन को बांध दूंगा, बासन कहते शरीर को, मैं तुम्हारा शरीर को बांध लूंगा, और तुमको बांधो तेरे गुरु को भी बचेंद्र नाथ को बांध लूंगा। अब योगी क्या कहता है, गोरखनाथ कहता है सुनो काल, आसन मुक्ता हमारा आसन मुक्त है, वासन मुक्ता हमारा शरीर भी मुक्त है, हम भी मुक्ता और हमारे गुरु भी मुक्ता, निक्षुकादशम द्वारा। अरे तुम्हारा गति तो नौ दरवाजे तक है ना, जहां तुम रहता है वहां जम रहता है, तुम्हारे गति नौ द्वार तक है, और मैं दसवां द्वार में प्रवेश कर जाऊंगा और तुम टुकुर टुकुर देखता रह जाएगा, और मैं शरीर से निकल करके भाग जाऊंगा, तुम उसको नहीं पकड़ सकते। दसवां द्वार है। हमारे गुरु मन कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागे, आप मानस ध्यान से ऊपर उठेंगे, देखिए मानस जब में जितना आनंद है ना, मानस ध्यान में बहुत मजा आता है, और मानस ध्यान में जितना आनंद आता है दृष्टि साधन में और ज्यादा आनंद है, दृष्टि साधन में जितना आनंद आता है राधा कृष्ण की क्रिया करने में बहुत आनंद है। जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल बोनी, जब से अनहद घोर सुनी खत्म कर रहा हूं, तो मैं श्यामदास की बात कर रहा था, वो बहुत भजन करता था, सदाचारी था। एक बार जंगल में किसी काम से गया तो देखा एक मंच बना हुआ है, मंच बना हुआ है और बहुत लोग बैठे हैं, रोशनी को देखकर के वहां चला गया, देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो पूछा भाई आप कौन हो, ये जंगल में अकेले में क्या कर रहे हो मंच पर बैठकर और रोशनी जला रखे हो। देखिए जो गुरु भक्त होता है उसमें शक्ति होती है, भजन करने वाला आदमी किसी से डरेगा नहीं, नहीं डरेगा किसी से, चाहे प्रधानमंत्री चाहे गवर्नर कोई आ जाए, बड़ा निर्भीक था। ध्रुव जी महाराज कहां डरे, प्रहलाद जी महाराज डरे हरे कसी पुर से नहीं डरे, भजन करने वालों में बड़ी शक्ति होती। मैं कह रहा था का भाई सुनो, मैं बहुत आदमी को देखा लेकिन तुम बड़ा विलक्षण व्यक्ति हो, देखो मैं सच सच बताता हूं, तुम हमसे पूछ रहे हो तुम कौन हो, तुम्हें बताता हूं मैं भूत हूं, भूत बोला भूत हो, बोला हाँ, तो जंगल में क्या करते हो, लाइट चला करके, बोला सुनो कल हमारी बेटी की शादी होने वाली है, बोला अच्छा तो हम लोग उत्सव मनाएंगे समारोह मनाएंगे, यहाँ शादी होगी ना मंच पर, तो किससे शादी होगी, तो कहा कि हरिदास नाम का एक व्यक्ति है वो नदी के उस पार में रहता है, तो चला गया वो व्यक्ति खोजते खोजते उस गांव में, पूछा भाई हरिदास नाम का व्यक्ति है, बोला हाँ हरिदास नाम का व्यक्ति रहता है, तो कहा कि कहाँ है, बोला वो बीमार पड़ा हुआ है, वो दारू बहुत पीता है, उसका फेफड़ा लीवर सब खराब हो गया, किडनी सब खराब हो गया, वो भूत कह रहा है ये वो कल मर जाएगा, मर करके प्रेत बन जाएगा, और उसी से हमारी बेटी की शादी होने वाली, उसी से हमारी बेटी की शादी होने वाली। वो चला गया खोजते खोजते, हरिदास पूछा वो हरिदास के घर यही, बोला यही है वही हरिदास, बोला आपका कोई बेटा है, बोला हाँ हमारे एक ही बेटा है श्यामदास नाम है, बोला कहाँ है, बोलना चाहता हूँ, बोला कि वहां पड़ा हुआ है, वो बहुत दारू पीता है, वो बड़ा व्यभिचारी है, जुआरी है, पापी है, वो कल वो मर जाएगा, इतना बीमार है कि लगता है मर जाएगा वो, अच्छा मर जाएगा, वो वहां गया तो दर्द के मारे तड़प रहा था, बोला भाई सुनो सुनो क्या हुआ, अपनी दुखड़ा सुना दी, सुनो तुमको मैं एक तोहफा देने आया हूं, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया हूं, बोला क्या, बोला मैं तुमको एक मंत्र बता देता हूं, स्नान कर लो, स्नान करके बैठा दिया, उसको मंत्र बता दिया, बोला जपो, उस मंत्र को जपने लगा, जपने लगा,
मानस ध्यान करने लगा, उसमें शक्ति आने लगी। कल हुआ रेत के मुताबिक, कल सही में उसका शरीर छूट गया, लेकिन मर करके रेत योनि में नहीं गया, देव योनि में चला गया। जब तुरंत फौरन चला गया जंगल में श्यामदास, क्या तपासा हो रहा है जंगल में। जब वहां गया तो देखता है पंडाल खुल गया है, वहां रोशनी जल नहीं रही है, भूत लोग रो रहा है। बोला भाई क्या बात है, तुम रो रहे हो? बोला हाँ रो रहे हैं, कारण है। बोला क्या कारण है? बोला देखो कल बताया था ना मैं तुम्हें, हमारा बेटी की शादी होगी, वो श्यामदास जो गया था, वो आदमी इसके पास गया तो मर गया ना, लेकिन उपरेत जोनी में नहीं आया क्योंकि तो तूने उसे दीक्षा दे दिया, दीक्षा देने से वो भजन किया, और भजन करने से प्रेत जोनी में नहीं गया, देव जोनी में चला गया, तो हमारी बेटी कुमारी रह गई, अब हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, इसलिए हम रो रहे हैं। भजन ध्यान करने से सज्जनों बहुत बल मिलता है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने कहा था, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन, बड़े भाग्यशाली है कि परमात्मा ने मानव जीवन दिया है सत्संग करने के लिए, इसमें सत्संग करना चाहिए। यही थोड़ा सा आपके सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। ज्ञान को छींटे छींटे